आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नया यूज़फुल वीडियो लेके। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की सबसे पहली जो हमारी ट्रिक है वो है इस तरह के आइस ट्रे को लेके। आपने देखा होगा कि जब भी आप फ्रिजर में आइस ट्रे को रखते हैं तो वो नीचे से इतनी ज़्यादा चिपक जाती है कि उसको छुटाने के लिए हमें किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ से इसको नहीं निकालना चाहिए। तो इसकी एक बहुत ही बेहतरीन एक ट्रिक है, वो है कि जब भी आप आइस ट्रे में बर्फ़ जमाएं तो उसके नीचे तली में थोड़ी सी ग्लिसरीन लगा लें। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो आप वैसलीन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी इस तरह से आप देख सकते हैं एक एक ड्रॉप आप नीचे इसके लगा देंगे तो जब भी आप इसमें बर्फ़ जमाएंगे तो वो ये आइस ट्रे फ्रिजर में नहीं चिपकेगी। क्योंकि जब हम किसी और नुकीली चीज़ से इसको निकालते हैं तो जो हमारा फ्रिजर है वो भी ख़राब हो जाता है और करंट लगने का भी डर रहता है। तो आप ये चीज़ ना करें और इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक को यूज़ करके आप अपना जो समय है वो तो बचा ही सकते हैं, साथ ही साथ अपनी चीज़ों को ख़राब होने से भी बचा सकते हैं। अगर आप इस तरह इसको लगा के आप फ्रिजर में आइस ट्रे को रखेंगे तो जो आपकी आइस ट्रे है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो आशा है आपको ये ट्रिक जो है वो हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आगे। दूसरी जो हमारी ट्रिक है वो है प्रेस को लेके। आपने देखा होगा जब भी आप इस तरह की जो टी शर्ट होती है जिसमें स्टिकर वगैरह चिपके होते हैं और उसमें जब आप प्रेस करती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो स्टिकर है या जो इसमें भी जो भी पेंट लगा है वो चिपक जाता है प्रेस में, और ऐसे में आपकी जो प्रेस है दोबारा जब किसी और कपड़े पे आप करते हो तो वो चलती नहीं है। तो और नीचे से कई बार गंदी भी हो जाती है। तो आपको अपने जो प्रेस है उसको साफ़ करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हम आपको बता रहे हैं। आपको एक वो लेना है न्यूज़पेपर, उसमें डालना है सिंपल खाने वाला नमक और अपनी प्रेस को करना है गरम। जब बहुत गरम हो जाए तो इस न्यूज़पेपर के ऊपर जो हमने नमक डाला है उसके ऊपर आप इस तरह से जब चलाएंगे तो आपकी जो प्रेस है वो नीचे से एकदम साफ़ हो जाएगी और ये अच्छे से फिर गरम भी हुआ करेगी। जैसे पहले कम गरम हो रही है या कुछ भी इसमें दिक्कत है गरम होने में, तो इस तरह से आप करोगे तो ये अच्छे से गर्म तो होगी ही, साथ ही इसके जो नीचे गंदगी चिपकी होगी वो भी निकल जाएगी। तो ये एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है अपने आयरन या प्रेस को अच्छे से क्लीन करने का। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है ये। तो आप अगली बार जब भी आपकी जो प्रेस है उसके नीचे कुछ चिपक जाए या गंदी हो जाए तो आप इस तरह से उसको आप साफ़ कर सकती हैं। तो आशा है आपको ये भी ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आगे। आपने देखा होगा कि जो चाकू की जो धार है वो कई बार मोथरी हो जाती है, यानी कि ये थोड़ी धार जो है वो तेज, इसकी जो तेज है वो कम हो जाती है। इससे जब भी हम सब्ज़ी वगैरह काटते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है। इससे कोई भी चीज़ है, प्याज वगैरह या आलू है या कोई भी चीज़ इससे कटती नहीं है। तो ऐसा आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता ही है। तो हम चाकू नया ले आते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि इसकी धार कम हो गई है। तो इसकी धार को तेज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको लेना है इस तरह के चीनी मिट्टी के कप और इसके ऊपरी हिस्से में आप इसको इस तरह से आप रगड़ेंगी तो 5 से 10 मिनट अगर आप इसको धीरे धीरे इस तरह से रगड़ेंगी तो आप देखेंगी कि जो आपकी चाकू की धार है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई है और उससे आप कुछ भी चीज़ काटेंगी तो वो आसानी से कट जाएगी और जो आपके नए चाकू लाने का जो पैसे हैं वो भी बच जाएंगे। तो जब भी आपकी किसी भी चाकू की धार कम हो जाए तो इस तरह से आप उसको तेज कर सकती हैं। तो ये एक फ्री की टेक्निक है जो आप यूज़ करके अपने पैसे को बचा सकती हैं। तो आशा है आपको ये ट्रिक भी हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप देख सकते हैं इसकी धार जो है वो एकदम सही हो गई है, जैसे कि हम पहले इसको लेके आए थे उस तरह की थी। तो इस तरह से आप अपने जो पुराने चाकू है उसकी धार को तेज कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली ट्रिक की तरफ जो इसी तरह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो अब गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में नींबू का शरबत तो लगता ही है। जब भी कोई मेहमान आ जाए अगर उनकी फरमाइश है कि नींबू का शरबत पीना है तो हम जल्दी से नींबू ढूँढते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नींबू ख़त्म भी हो जाते हैं।
और फिर मार्केट से लेके आओ या फिर कुछ और चीज़ हम बनाते हैं, तो फिर उसको काटो, शक्कर घोलो, इतने सारे बर्तन बिगड़ते हैं, मतलब बहुत झंझट वाला काम है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप मार्केट से जब भी नींबू लेके आएँ तो सारे नींबू किस तरह से आप निचोड़ लें। इसका रस हमने यहाँ पे एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है और इस तरह से सभी नींबू को हमने निचोड़ के एक बर्तन में उसका जो जूस है उसको हम इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका जूस इकट्ठा हो गया है और अब हम लेंगे शक्कर। इसको हम शक्कर को जितना भी आपको मीठा पसंद है या ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा इस तरह से इस डाल के अपने अंदाज से, और इसको थोड़े से पानी में घोल के और आप इसको रख लें। तो ऐसा करने से जब भी आपको नींबू के शरबत की ज़रूरत होगी तो आप तुरंत बॉटल में से इस जूस को निकाल के ग्लास में डालें, पानी डालें, आइस डालें और आपका नींबू का शरबत रेडी है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसमें आपको सिर्फ एक बार में झंझट करनी है, बाकी आपको बिल्कुल भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसमें थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया है क्योंकि नींबू की शरबत में काला नमक अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें अगर आप नमक डालना चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं डालें तो कोई वो नहीं है। और इसमें थोड़ी सी जो हमने ये घोला है इसको हम एक इस तरह से सिलिकॉन की जो चॉकलेट मोल्ड है इसमें हम डाल के फ्रीजर में रख के जमा देंगे, तो जब भी आपको ज़रूरत हो इसमें से निकालें एक क्यूब और ग्लास में डाल दें, और जो बाकी बचा जो वो है सिरप इसको हम बॉटल में भर के रख लेंगे फ्रिज में। तो जब भी आपको ज़रूरत हो बॉटल में से निकाला और आपका नींबू का शरबत रेडी है। तो आशा है आपको ये ट्रिक भी जो है हमारी बहुत पसंद आई होगी, और आगे से आप जब भी नींबू का शरबत बनाएंगे तो इस तरह से आप बना के रख लें और जो बाकी सिरप बचा था वो इस बॉटल में हम करके फ्रिज में रख देंगे। तो है ना ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की ट्रिक और बहुत सिंपल सी भी है। तो आशा है आपको ये जो ट्रिक है वो भी हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। अब पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो जब भी आप पोहा बनाने जाएं तो उसको जब आप धो लें और धोने के बाद आप उसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दें, तो ऐसा करने से जब भी आप पोहा बनाएंगी तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं और बहुत ही खिले खिले बनेंगे। तो ये एक बहुत छोटी सी ट्रिक है जिसको यूज़ करके आप अपने नाश्ते को बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना सकती हैं। तो यहाँ पे हमने पोहा को धो के रखा है और इसमें हमने एक नींबू का रस डाल दिया है। पोहा में तो वैसे भी नींबू का रस डालते ही हैं, तो बाद में नट डाल के आप पहले डाल दें। और इस तरह से हमने उसको मिक्स कर दिया है और इसके बाद हमने पोहा बनाया, एकदम खिला खिला और बहुत ही अच्छा बना था। तो आशा है आपको ये ट्रिक भी जो है वो हमारी पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी टिप्स की तरफ। तो आपने देखा होगा जब भी आप भिंडी काटते हैं तो जो भिंडी का जो उसमें से एक चिपचिपा लेस जैसा निकलता है वो चाकू में चिपक जाता है, जो कि हमारे हाथ तो ख़राब करता ही है, दिखने में भी बड़ा गंदा लगता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप भिंडी को काटें तो चाकू में आप पहले से ही नींबू का रस लगा लें, इस तरह से जो छिलका बच जाता है वो आप रख लें और उसको इस तरह से आप चाकू में लगा लें। तो जब भी आप भिंडी काटेंगे तो जो भिंडी है वो चाकू में चिपकेगी नहीं और बहुत ही आराम से ये कट जाएगी। तो आप ये ट्रिक यूज़ करके ज़रूर देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।